देखिए, झारखंड यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन विगत 19 वर्षों में पक्ष और विपक्ष, अभी जो पार्टियां हैं, सबको मौके मिले सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन झारखंड के लोग खुश नहीं हैं। वो एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं और इस समय विगत लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम और लालू जी की पार्टी आरजेडी, ये बुरी तरह फेल हुए हैं। लोगों का विश्वास भरोसा इन पर खत्म है। ये अभी एकजुट होकर भी चुनाव लड़ेंगे तो आगामी विधानसभा में बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। तो बीजेपी के प्रति भी यहाँ के लोगों के मन में खुशी नहीं है और ये चीज़ प्रमाणित हुआ है। 5 लोकसभा के क्षेत्र में जो आदिवासी के लिए रिजर्व है, 2 सीट में बीजेपी हार चुकी, राजमहल और चैबासा। 2 सीट केवल 1000-2000 वोट से जीते हैं, खूंटी और लोहरदगा। 1 सीट जो दुमका है, वहाँ भी मुश्किल से बीजेपी की जीत हुई है। ये प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज में बीजेपी के प्रति कोई रुझान, कोई लगाव नहीं है। और जब विधानसभा की चुनाव होगी तो मोदी जी के नाम से वोट लोग नहीं ले सकेंगे। यहाँ लोकल नेता चाहिए, लोकल मुद्दे चाहिए। और उस मामले पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड में, चूँकि जनता दल यू एक समाजवादी विचारधारा से स्थापित पार्टी है, तो हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ को साथ लेंगे, जिनकी आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है। और विगत 17 मई 2017 को हम लोगों